चक्रवर्ती मूलाचार्य की टीका कर रहे हैं। तो राजगृह नगरी में निशंक चोर जो अंजन नाम से विख्यात हुआ था, वो निशंकित अंग में प्रसिद्ध था। फिर चंपा नगरी में निष्कांक्षित अंग में वणिक सुता अनंतमती नामक एक कन्या थी, वो प्रसिद्ध हुई। निर्विचिकित्सा में राजा उदयन प्रसिद्ध हुआ रुद्रभर नगर में, रुरुकपुर भी कहते हैं इसको। फिर रेवती रानी मथुरा नगर में अमूल दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई। फिर स्थितिकरण में मागध नगर में वारिशेण प्रसिद्ध हुए, राजा शेणिक के पुत्र। फिर हस्तिनापुर नगर में वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनिराज विख्यात हुए। अब ये विष्णु कुमार मुनिराज की कथा जो है, ये कहीं भी किसी शास्त्र में अभी तक हमारे देखने में ऐसे नहीं आई, पूर्वाचार्य प्रणीत कोई भी ग्रंथ में, कि ये रक्षाबंधन की कथा यही है। ये रक्षाबंधन के नाम से जो कथा चली है, ये पता नहीं कब से चली है, लेकिन शास्त्रों में अभी तक हमें मिल नहीं पाई। अगर किसी को मिल जाए तो फिर हमें सूचित कर सकते हैं। वात्सल्य अंग की कथा के नाम से तो जानते ही सभी लोग। फिर ताम्रलिप्त नगर में जिनदत्त नाम का जो शेर है, वो गुण गुण से युक्त, यहाँ पर गुण अंग का वाचक समझना। वज्र कुमार मुनि के द्वारा मथुरा में प्रभावना की गई थी। ये कथाएं रत्नकंड श्रावकाचार्य की टीका में प्रभाचंद आचार्य महाराज ने दी है, और धर्मावृत ग्रंथ में आचार्य नैसेन ने दी हुई, और उपासकाध्ययन ग्रंथ में आचार्य सोमदेव सूरी ने लिखी हुई है ये कथाएं। इस तरह अनेक स्थानों पर ये कथाएं उपलब्ध हुई। विष्णु कुमार मुनिराज की कथा पद्म पुराण में, उत्तर पुराण में, हरिवंश पुराण में, इन सभी स्थानों पर उपलब्ध होती है। पर सर्वत्र वही रक्षाबंधन के नाम से नहीं मिलती, लेकिन ठीक है, वो तिथि वही थी। अब वो एक साथ ऐसे घटनाएं हो सकती है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन जो घटना हुई थी, जब उन्होंने विक्रिया विधि का प्रयोग करके 700 मुनिराजों के उपसर्ग का निवारण किया था, और फिर श्रावणी पूर्णिमा में श्रेयांस्कांड भगवान का कोई मोक्ष कल्याणक दिवस, और उस दिन लव और कुश की जन्म जयंती है। हे सुगुणाट जुयम् सम्मतम् जो धरेई देवि चित्तो सुहवई समुदिति सद्माणोपयथेय। अब सम्यक दृष्टि कौन होता है? तो बोलते हैं कि जो दृढ़ चित्त का प्राणी इन 8 गुणों से युक्त होता है, इन 8 गुणों से युक्त सम्यक को धारण करता है और पदार्थों पर श्रद्धान करता है, सुसमय समुदिति हवई, वह सम्यक दृष्टि होता है। उसके बाद ये पंचम बरस ही आई सत्त विवसनाई जो विवरचे। सम्मत विशुद्ध मई सो सो पंच उम्बर संयम, 5 उदुम्बर फल सहित सत्तवी वसनाई, 7ों व्यसनों का जो विवज्जे। अब यहाँ पर वी शब्द जो अपि का वाचक है, और अपि का अर्थ यहाँ पर 5 उदुम्बर सहित 7ों भी व्यसनों को जो विवर्जित करता है, ऐसा भी नहीं लगाना, ही लगेगा यहाँ पर, 7ों ही व्यसनों को जो वर्जित करता है, छोड़ता है, और सम्यक से जिसकी मति विशुद्ध होती है, अर्थात जिसकी मति अर्थात जिसका ज्ञान सम्यक से निर्मल है, सम्यक ज्ञान है, वह दर्शन श्रावक कहा गया है।
दर्शन श्रावक ये श्रावक का प्रथम स्थान है। दंशन वय सामाई 11 स्थानों में से प्रथम स्थान है। तो अब इसका और विस्तार कर रहे उम्र बड़ पिपल पिम परी संधान तरपसु नाई निच्चम तस्सं सिद्धाई हिताई परिवज्जिया वाई। उमर बड़ पीपल पिपरीक संधान और तरुप प्रसून आदिक जो नित्य त्रस जीवों से संसिद्ध अर्थात व्याप्त रहते हैं संसिद्ध रहते हैं वे परिवज्जी या वायु त्याग करने योग्य होते हैं। सेवन की अपेक्षा से त्याग क्योंकि इसमें जितने नाम दिए हैं उमर बड़ पीपल पिंपरीक कठोर पाकर और संधान का अर्थ होता है अचार मुरब्बा वगैरह पुराने वाले जो त्रस जीवों से संसिक्त हो गए हैं वो वाले और तरु पसून आई वृक्षों के प्रसून अर्थात पुष्प आदि जो जीवों से संसिक्त है वे छोड़ने योग्य जुए मन मनसम वैसा परधा वैसा पारध चोर पर यार दुख गमन सेदा निहेद भूराणि पावाणी दुर्गम गति में गमन कराने में हेतुभूत ये पाप ये सात व्यसन पाप रूप है जुआ मदिरा मांस वेश्या पारधि का अर्थ होता है शिकार चोरी परस्त्री ये सात व्यसन दुर्गति में गमन दुर्गति के गमन में हेतुभूत है। अब इनका वर्णन करते हैं जो यम खेलन तस्सु वेश्या पंड्य स्त्री मतलब वो पैसा लेकर के परस्त्री ने पैसे ले लिए नहीं नहीं ऐसा नहीं परस्त्री बिना पैसे वाले यहाँ और अगर पैसा ले लिया किसी ने तो फिर वो उसमें और उसमें अंतर क्या रहा वो तो पुण्य स्त्री हुई ना। अभी इसमें आगे बताएंगे जो यम खेलन तस्सुर को हो माया च मान लो हाय ए हवंत तिव्वा पावई पावं तदो भव। जुआ खेलने वाले मनुष्य के पास क्रोध मान माया और लोभ ये तीव्र रूप से पाए जाते हैं और तद उसके कारण बहुगम पावम पावई वो बहुत पाप को प्राप्त होते हैं। जुआ खेलने वाला पावीन तीन जलमर नवीच पौरम दुख सलिलम्बी चौगई गमणम चौगई गमणावत्तम मिहिंड भव समुद्दमी तीन पावीन उस पाप के द्वारा जरा और मरण रूपी लहरों से भरे हुए और दुख रूपी जल से युक्त चारों गतियों में गमन करना ही जिसमें आवर्त भंवर है ऐसे भव समुद्र था संसार सागर में हिंडे ही भटकता है उस पाप के द्वारा जुए द्वारा अर्जित पाप के द्वारा संसार में तथ्य विदुखमनंदम क्षेण भेण विकत्तनायन पावै शरण विरहियो जुयस फलेण सो जीवो। और उस भव समुद्र में भी अनंत दुख को पावै प्राप्त होता है। कौन से दुख को
तो बोलते हैं कि छेड़ भेड़ विकर्तन आई छेदन भेगन भेदन विकर्तन आदि अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त होता है। विकर्तन है काट के टुकड़े टुकड़े कर देना, और शरण विरही हो, कोई रक्षा करने वाला भी नहीं मिलता उस शरण से विरहित होता है। तो सो जीवो जुएस परेण अनंतम दुखम पावई, वह जीव जुआ के फल स्वरूप अनंत दुख को प्राप्त होता है। न गणी इठमितम न गुरुम न मायरम पियरम वा जुवंदो मुज्जाई कुणियक जाई भव्याई। जुआ खेलने वाला अपने की भी गिनती नहीं करता, अपने गुरुजनों को भी कुछ नहीं समझता, अपने माता पिता को भी दाव पर लगा देता है, और जुए से अंधा हुआ वह प्राणी वुज्जाई अकज्जाई बहुयाई कुणी, जो वर्जनी अकार्य है बहुत सारे अकार्यों को कर डालता है, जुए में अंधा होने वाला। सजनी परजनी वा देशे सवत हुए लज्जो मायाविण विस्सावसम बच्चे जुयम रमंतस। स्वजन में परजन में और देशे सवत सभी स्थानों पर निर्लज्जो मायावी हुई, वो निर्लज्ज होकर के मायावी बन जाता है, माया करता है, और इसलिए जुयम रमंतस न विश्वासम बच्चे, जुआ खेलने वाले पर किसी का विश्वास कोई विश्वास नहीं करता। जुआ खेलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता। अग्गे विस चोर सप्पा दुखम थोवन कुणंती ये लोई दुखम जने जुयम नरस भवसय सहसेस। अग्नि है, विष है, चोर है और सर्प है, ये इस जन्म में थोड़ा सा दुख उत्पन्न करते हैं। जुआ जो वो मनुष्य के लिए और सहस लाखों भवों में दुखम जने दुख उत्पन्न करता है। अखे नरो रही नमुने से सिंधी वे जुयंदो नयके नवे जाने संपूर्ण करणो वे। जो मनुष्य अखे ही रही हो आंखों से रहित है, वह से सिंधी वे अखे नमुने आंखों से नहीं देख पाता, बाकी इंद्रियों से सब कुछ जान लेता है, लेकिन जुयंदो जो जुआ से अंधा हो गया है वो केण भी संपूर्ण करणों भी न जाने, वो संपूर्ण इंद्रियों वाला होकर भी किसी इंद्रियों से किसी इंद्रिय से नहीं जान पाता। आलियम करे ही सब हम जम्पई मोसम भणी आई दुठम पासम बही मायम सुसुम्पी हणी कोहंदो। वो असत्य कार्य करता है सबम वचनों का उच्चारण करता है, और अपने पास में जो बहन है माँ है और शिशु है ने वो गोद का बच्चा है उस पर भी क्रोध से अंधा होकर के बाहर कर बैठता है। जुआ खेलने वाला वो अपनी पत्नी से बोलता है कि तू तो आभूषण दे दे मेरे, वो नहीं देते तो फिर ऐसा करता है, वो हिंसा करता है। नए भुंजे आहार नित्यम न लहे रक्त दिनंति तथ्य विण को नहीं रही अथई चिंता व्रो निच्छन। वो भोजन नहीं करता, नींद नहीं ले पाता,
रात दिन कहीं भी उसका मन नहीं लगता, कहीं भी वो प्रीति को प्राप्त नहीं होता, और चिंतातुर होकर नित्य ही अर्थ ही अवस्थित रहता है। हमेशा वो चिंता उसे व्याकुल इच्छेव माई बहु दोषे नाउण जुए रमण अम्मी परिहरि अभम निच्छन दंसन गुणमोह बुपहन देन इत्यम आदि बहुत सारे दोष हैं। तो उनको जान करके जुए में जो प्रीति है उसके प्रति अब परिहार का निर्णय कर लेना, हमेशा के लिए उसका त्याग कर देना है। अगर दर्शन गुण का उद्वहन करने वाला है तो प्रथम प्रतिमा में इसका हमेशा के लिए त्याग होता है। देखो सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि का संकल्प न होने के कारण वो इन कार्यों में तत्पर होकर के हानि को प्राप्त होता है। जैसे युधिष्ठिर उन्होंने अनुव्रत धारण नहीं किया था और फिर प्रतिमाधारी नहीं थे, तब जुआ खेल कर कितना उनके पूरा एक इतिहास बन गया उनका, सब बुद्धि सब ये हो गई थी, भ्रमित हो गई थी। इसके उपरांत मदिरा के दोष बता रहे, मत जीर्णरो अवसु कुणी कम्माणि निद्रै जाय ए लोए पर लोए अनुभवै अनंतयम् दुःखम्। मदिरा के कारण मनुष्य आपे से बाहर हो जाता है और निंदनीय कार्य करता है, इस लोक में और परलोक में वह अनंत दुख का अनुभव करता है, भोगता है। अलंघियो विचिट्ठो मत्तो पड़ियस सारमैया वयनं विलिहन्ति जिह्वाये। वो अतिलंगित होते हुए विचित्र चेष्टा करता है, उल्टे सीधे पैर रखता हुआ बड़ी अजीबोगरीब प्रवृत्ति करता है, और पड़े रत्थाय यंगणे मत्तो, वो रथ्या का अर्थ था जिस पर रथ चले ऐसा मार, उससे हट करके जो प्रांगण है, अब चाहे वहां पर नाली हो या कुछ भी हो, वहां पर मदमत्त होकर के वो नशे में पड़े गिर पड़ते हैं, और पड़ियस उस गिरे हुए शराबी के उस मद्यपाई के वैणव उसके चेहरे को सार में या जिब्बाए मिली हंती, कुत्ते अपनी जीभ से चाटते। उच्चारण पश्चवण तथेव पुणंति तो समुल्लवई पड़ियो विसुरा मिट्ठो गुणो विमेते मूढ़मयी। और उसके मुंह पर वो कुत्ते लघु शंका भी करते हैं, मल भी कर देते हैं, और वो उसको जीभ से चाट करके मुझे फिर से खिलाओ यार मिठाई, ऐसा वो बोलता है, ऐसा वो पागल हो जाता है। और वो क्या होता है कि उसके उस सार में एक अर्थ कुत्ता होता है, कुत्ते की लक्षण का वो शराब समझता है, बोलता है कि और दे नशे में ऐसी हालत हो जाती है, मूड मत यानी एकदम भ्रमित बुद्धि होकर पुणो भी मैं दी फिर से मुझे दे ऐसा बोलता है। सुरा मिट्टो ये बहुत जम किंचित तस्त दफ्रम अजान मानस हिप्पई परे ही लयुण किंच सन्नम इदो तदो धावई खलंतो। और जो भी उसके पास द्रव्य पैसा होता है वित्त अर्थ अजान मानस, वो तो अभी होश में ही है,
तो परे ही दूसरों दूसरे लोग हड़प लेते हैं पैसे का, ले जाते हैं। और लहीयुण किंचित शरणम, और कुछ संज्ञा को जब होश को प्राप्त करता है तो इधो तदो धावई खलंतु, यहाँ वहां दौड़ता है, पैर थोड़े लड़खड़ाते हैं उसके, और यहाँ वहां दौड़ने लग जाता है कहाँ चले गए मेरे पैसे। ये एक बार हम लोग सब बच्चे खेल रहे थे वहां पर, स्कूल में पढ़ते थे, वो क्या था कि जिस दिन तनख्वाह मिलती है ना उस दिन सारे कर्मचारी लोग पीते हैं, सब लोग पीते हैं। रविवार की जो तनख्वाह मिलती है तनख्वाह में से लेकर के उस दिन की हम नहीं जाते सीधा वहीं पहुंचे, तो वो पी करके लौट रहा था कोई, तो फिर उसकी जेब से 100 रुपया किसी ने निकाल लिया, तो वो भागता हुआ आया और फिर हम लोगों से पूछता है कि तुमने देखा क्या किसी को यहाँ से जाते हुए। हमने बोला नहीं, बोले मैं पिया हुआ था, मेरा 100 रुपया ले गया कोई, ऐसा बोला। 100 रुपये बड़ी चीज की, घर से तो से जमो कुद्धू कई चाई सो जीवंतु शीशम छिन्ना विखेन, जिसने आज मेरा पैसा ग्रहण कर लिया, मेरा धन ग्रहण कर लिया, जिस दुष्ट ने मेरा धन ग्रहण कर लिया, मेरा धन ये कहीं जा ही सोच रहे, जीता रहे जीते हुए कहाँ जा पाएगा, कहाँ जाएगा। शीशम छिन्ना में खग्गे, मैं तलवार से उसका धड़ से अलग कर लूं, छेद कर लूं। एवं सो गज्जन्तु कुभियो गन्तुण मंदिरम नियम घित्तुण लौड़ी सहसा रुद्धु भंडाई पोड़े, लेकिन पीते है पीने के बाद बेहोशी आती है, पीने के बाद होश आने के बाद भी स्मरण भूलता नहीं हो, लेकिन ये क्या है मस्ती है, ग्लास दो ग्लास पीते है दो ग्लास पीते इस तरह तो होता नहीं है, लेकिन वो एक मस्ती होती है, उसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा याद तो रहता है, उस वक्त तो भी कोई बड़ा आदमी जाने तो तुरंत तो खिसक जाते खिसक जाते, कोई बड़ा आदमी जाने दो कितने पी ले दो, बड़ा आदमी जाते ही कोई हाथ जोड़ते घटते नहीं, इसका मतलब उनको स्मरण है, स्मरण तो रहता है लेकिन मस्ती एक ऐसी बच्ची होती है कुछ रहता है सब भूल जाते हैं। तो हमारे सामने सब हुआ था एक बार, ऐसे शराब ने हाथ जोड़कर बोला कि बाबा भैया आप दिला दो वापस, स्मरण सब सब रहता है, स्मरण सब स्मरण सब कितने भी पी रहे दो एक दूसरे का दो बोलते भी पी लो तो उसको स्मरण रहता है, कोई बड़ा आदमी जाके ना वो झिझक जाते, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा होश उसकी मात्रा है जी, वो विज्ञान ने बताया कि 0.01% अगर ब्लड में अल्कोहल चला जाता है तो फिर वो कितना ऑक्सीजन खींचता है ब्रेन से, और ब्रेन से ऑक्सीजन खींचने के कारण वो डावाडोल होता है, ये कमजोर व्यक्ति अगर पी लेता है तो उसको दया समझेगी, उसको तो समझ के होश में शक्ति है, लेकिन ही कमजोर व्यक्ति पीता तो उसको, और इसकी मात्रा है महाराज जी, अल्कोहल की मात्रा रक्त में जितना जितना बढ़ेगी उतना ऑक्सीजन खींच लेगा, अल्कोहल की प्रकृति होती है कि वो प्राणवायु को अवशोषित करता है, उम्र हो गई आदमी इतना मृत्यु तक के वर्णन है, 80 साल की उम्र हुई, 80 की उम्र तो भटका दौड़ता था और इतना पीता था कि खाना खाते समय वो पानी नहीं पीता था, बोलता लगता था ये जब पानी पी के समय है ना पानी में जगह वो दारू बोतल लगा देता, इतना पीता था कि 80 साल का उम्र का आदमी और सुबह से लेकर शाम तक उनके सारी बोतल बोलता लगते रहो, कोई आदमी बैठे
स्मरण है किसकी पंक्ति क्योंकि नंबर बताया गाँव का नंबर बताया वो भी पुलिस जाती है कोई परेशान होती है उसे जाने उन्हीं के पास पहुंचेगी अभ्यास की बात है तो उसके बाद पहुंचेगी इतना फील्ड है तो भी पता बिल्कुल भूलेगा नहीं सब चीज बताएंगे वो ऐसा ही होगा ऐसा ही है इसके लिए कौन है वो फिर लेंगे इतना ही करना है सब की उनको याद है इतना पीता हो ये है कि ऐसे है सबके ऐसे नहीं है सबके वक्त तो ज्यादा जो ठीक है वो हमने सभी सभी नमूने देखे हुए हैं ना वहाँ हर प्रकार के देखे तो वो इस प्रकार गर्जना करता हुआ कुपित होकर अपने घर पहुंचता है और घर जाकर के लाठी उठा करके अचानक गुस्से में आकर के वो बर्तनों को ऐसे फोड़ता है मिट्टी के बर्तनों को फोड़ डालता है और नियम स्वयं बहिनी अणिचमाणम बला विसन विधन से जंपई अजंपणिजम न विजाने किम विमयमत्तु और अपने बेटे को अपनी बहन को न चाहते हुए अरे उसको अच्छा नहीं लगता कि कोई मेरे पास आकर के मेरे से कुछ अच्छे मेरे से मीठी मीठी बातें करे कोई नहीं मेरे से दूर रहो ऐसा कहते हैं तो बला विसंधि विधन से ही बला तो उनके ऊपर विध्वंसक हो जाता है और जंपे ही अजंपड़ी चुप और फिर ऐसे शब्द बोलते हैं कि जो बोलने लायक नहीं है और उसको लगता ही नहीं है कि मैं कुछ ऐसा गलत कर रहा हूँ ऐसा मदमत्त हो जाता है इस प्रकार अन्य भी बहुत सारी चीजें वो कर डालता है जो कि लज्जाजनक कार्य है वो सब कर डालता है और अनुबंध ही बहु पावन और बहुत पाप का अनुबंध करता है कौन करता है मज्जस वसंगदो संतु जो मदिरा के वशीभूत हो गया है नशे में आ गया है ऐसा होता हुआ यह जीव ऐसे बहुत से पाप करता है पावीन तीन बहुसो जाई जरा मरण सावया इन्ने पावई अनंत दुखम पड़ियो संसार कंताई जाति यानी जन्म जरा यानी बुढ़ापा और मरण यानी मृत्यु और सावय का अर्थ यहाँ पर श्वापद लेना जंगली जानवर को कहते हैं उससे आकीर्ण संसार कांतारे संसार रूपी कांतार अर्थात मन में वह पड़ी हो गिरता है पतित होता है और अनंत दुखम पावे अनंत दुखों को प्राप्त होता है एवं बहुपया दोसम नाउण मज्ज पाणमी मणमयन काय कय का हृदान जिजु इस प्रकार मदिरा पान में बहुत सारे दोषों को जानकर बहुत प्रकार के दोष को जानकर मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से वजिजु त्याग कर देना मदिरा को वर्जन करना हाँ बहुत सारे पीने वाले दवाएं उनको भारत के फिर नियंत्रण किया है उन्होंने सब क्या किया है सब तो वैसे क्या किया है तो वो अल्कोहल की दवा का दवा पीते तो ये सब तो सब क्या हो गया किन्ने दारू पीता नहीं है लेकिन दवाई में बुखार आती है उसको छोड़ा छूटा और समझेंगे क्या
क्या हो जाएगा? अच्छा तो लग ही रहा है, अच्छा तो लग ही रहा है, त्याज्य और शुद्ध रूप में भी ये वस्तु त्याज्य नहीं है, त्याज्य है। औषध में भी ऐसी वस्तु नहीं ले सकते। जैनम जय सुशासन कथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठा।